मोहम्मद आमिर से बदतमीजी करने पर शाहिद अफरीदी का अफगान बॉर्डर पर गुस्सा, वीडियो वायरल। लंकन प्रीमियर लीग में कैनेडी टिक्सर के अफगान फास्ट बॉलर नियानुल हक और गाल ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। मोहम्मद आमिर की जानिब से चौका लगाने पर अफगान बॉलर नियान आपे से बाहर हो गए। बॉलर ने आमिर के खिलाफ नाकाबले शात अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस पर आमिर ने भी भरपूर जवाब दिया और अगले ही ओवर में फिर छक्का भी लगा दिया। मैच खत्म होने के बाद भी दोनों खिलाड़ियों के दरमियान तल्ख कलामी जारी रही। मैच के बाद शाहिद अफरीदी ने भी अफगान बॉलर नियानुल हक पर अपने गुस्से का इजहार किया और नियानुल हक को आंखें दिखाई। वाज़ेह रहे कि श्रीलंकन प्रीमियर लीग में गाल ग्लैडिएटर्स ने शाहिद अफरीदी को टीम का कप्तान मुकर्रर किया है, जबकि श्रीलंका के भनों का राजा नायब कप्तान हैं। इसके अलावा लंकन प्रीमियर लीग में शाहिद अफरीदी की टीम गाल ग्लैडिएटर्स को मुसलसल तीसरी बार शिकस्त का सामना है। तीसरे मैच में कैनेडी टिक्सर्स ने ग्लैडिएटर को 25 रन से शिकस्त से दोचार किया। कैनेडी टिक्सर ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रा 20 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर 196 रन बनाए थे। कैनेडी टिक्सर की जानिब से ब्रेंडन टेलर ने 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 35 गेंदों पर 51, जबकि कौशल मेंडस ने 30 गेंदों पर 49 रन बनाए। गाल ग्लैडिएटर्स की जानिब से मोहम्मद आमिर ने एक खिलाड़ी को आउट किया। अब पाकिस्तान भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए 62 न्यूज़ उर्दू व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जिसका लिंक पहले कमेंट में मौजूद है।